हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी कक्षा 7 का 13वां पाठ। इसका पहला भाग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। ये बच्चों एक कविता है और जिसका नाम है एक तिनका, और इस कविता को लिखा है हमारे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इसको लिखा है। तो चलो बच्चों, कविता शुरू करते हैं। आधा पाठ हम पढ़ ही चुके हैं, कि जिसमें कविता में क्या बताया है। हमारे पिछले पाठ में मैंने आपको कैसे बताया था कि इसमें कवि ने अपने माध्यम से ही, कवि ने अपनी ही एक घटना के बारे में बताया है इस कविता के माध्यम से हमें, कि एक बार वो अपनी छत पर खड़े हुए थे और उनकी, और उन्होंने यही समझाना चाहा है हमें इस कविता के माध्यम से, कि वो कहते हैं एक दिन मैं बहुत अभिमान में, घमंड में अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था कि अचानक से क्या होता है, एक तिनका आकर उनकी आंख में गिर जाता है, और एक छोटे से तिनके के कारण उनकी आंख बेचैन हो जा को उठते हैं, वो आंख लाल हो जाती है, और आपने देखा ही होगा कि जलने लगती हैं आंखें अगर कोई तिनका छोटा सा भी आंख में कुछ भी आके गिर जाए तो। तो वो यही कह रहे हैं कि मेरा सारा घमंड धरा का धरा रह जाता है एक छोटे के तिनके, छोटे से तिनके के द्वारा। तो अब इतना पाठ हम पहले पढ़ चुके थे कविता, इससे आगे की कविता मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको। पहले मैं उसके कठिन शब्द आपको पढ़ा दूँ कि कभी, अब हमारा कठिन शब्द आएगा ढब। ढब कहते हैं बच्चों तरीका। फिर आया समझ, अकल को कहते हैं, आपको पता है बुद्धि, अकल उसको समझ कहते हैं। ताने देना, व्यंग कसना किसी पर, ऐंठना, अकड़ना, ऐंठने का मतलब होता है अकड़ना। मूठ, मैंने पहले भी आपको बताया था, मूठ कहते हैं कपड़े का जो गोल सा बना के आंख को सेकते हैं, जिसे मोड़कर छोटा सा गोलाकार वो बना लेते हैं, ऐंठ अकड़ को कहते हैं। दबे पांव भागना, चुपके से निकल जाना, दबे पांव भागने का मतलब होता है चुपके से निकल जाना। तो चलो अब कविता शुरू करते हैं आगे की। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। मूठ देने मतलब लोगों ने क्या किया, जब आंख में उनकी तिनका गिर जाता है और आंख लाल हो जाती है और आंख जलने लगती है, तो लोग जो है मदद करने के लिए आ जाते हैं, घर में सभी लोग मदद करते हैं। तो दूसरे लोगों ने एक गोल कपड़े की वो बना लेते हैं कपड़े की, और उससे आंख की सफाई करने की कोशिश करते हैं, सेक करने की, किसी तरह से आंख का तिनका बाहर आ जाए। तो लोग उनकी मदद करने लगते हैं। ऐंठ बेचारी दबो पांव, मतलब जो ऐंठ थी ना हमारी सारी, जो हमारा घमंड था, उस वो तो अपने, वो कहाँ भाग गई थी उसका कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि जिस समय आंख में तिनका होता है, क्या आपको पता, उस समय कुछ क्षण के लिए क्या आप समझ पाते हो कि आपके अंदर अभिमान, आप अपने आप को बहुत कुछ मानते हो क्या? कोई कितने से बड़ा आदमी भी क्यों ना हो बेटा, कोई कितने से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर एक छोटा सा तिनका उसको इसी तरह हैरान कर सकता है। छोटे से छोटी चीज को भी हमें कुछ नहीं समझना है, हमें छोटा नहीं समझना है, क्योंकि उससे वो भी हमें कभी ना कभी कष्ट पहुंचा सकता है। हमें किसी चीज को भी छोटा नहीं मानना है। तो वो कहते हैं ऐंठ जो थी वो तो कहाँ चली गई, उसका तो कुछ पता ही नहीं है, कि ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, कि लोग तो तरह तरह से उसे निकालने के लिए वो कर रहे थे, तरह तरह से निकालने की, क्योंकि कपड़ा लेके उसकी सेक कर रहे थे, आंख का कुछ कर रहे थे, लेकिन घमंड कहाँ हवा हो गया उनका, वो पता ही नहीं। घमंड तो जैसे हवा में उड़ा दिया था, मतलब उनका घमंड तो उड़ चुका था बिल्कुल ही। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब कहते तरीके को, तरह तरह के तरीकों से कैसे भी करके आंख में लोगों ने उनके तिनके को निकाल दिया। जब आंख से तिनका निकल गया, क्योंकि ढब तरह तरह के तरीके आजमाते हैं, कभी पानी से आंख को धोते हैं, कभी कहते हैं कि भाई थोड़ा सा आंख को बंद रहने दो, 2 मिनट आंसू निकले उसके साथ शायद तिनका बाहर निकल जाए, और कोई कपड़े से निकाल रहा था, तरह तरह के तरीके किए, और जैसे तैसे करके तिनका जो था वो आंख का निकल गया, जैसे भी हुआ निकल गया, तिनका गया। तब समझने यूं मुझे ताने दिए, तब मेरी अपनी ही बुद्धि ने, समझ कहते हैं बुद्धि को, अकल को, तब समझने मेरी ही ताने दिए, उनकी खुद की समझ ने उनको ताना दिया, कि देख तू किस बात पे इतना इतरा रहा था, इतना ऐंठ रहा था, अकड़ रहा था, एक तिनके ने तेरी क्या हालत कर दी, कि तू अपने आप को कितना बेबस महसूस कर रहा है। एक छोटे से तिनके ने तुझे तेरी अपनी हस्ती बता दी कि तेरी क्या है, क्योंकि एक छोटे से तिनके ने उनको क्या हाल कर दिया था उनका। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, ऐठता तू इसलिए किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब यहाँ पे हमें कवि यही बता रहे हैं कि तुम जब तिनका आंख से निकल जाता है, तब थोड़ी सी राहत सी मिलती है,
यानी तब समझ लियो मुझे ताने दिए। कैसे ना कैसे करके जब तिनका आंख से निकल गया तो थोड़ी राहत मिलती है ना, आराम मिलता है आंख को, क्योंकि जब तक वो तिनका आंख में पड़ा रहता है हम बेचैन हो जाते हैं और उतने क्षण के लिए हम और कुछ भी याद नहीं रख सकते। सिर्फ हमें क्या याद रहता है, वो आंख का तिनका ही याद रहता है और हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो यानी वो एक छोटी सी चीज हमें क्या कर देती है, कितना बेबस बना देती है कि हम अब सब कुछ भूल जाते हैं। जो हमारी अपनी शक्ति होती है, पावर होती है, वो सब कहाँ चली जाती है, हवा हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। क्या रह जाता है, बस वो जलन और घबराहट, तिनका जो दर्द हमें दे रहा है, सिर्फ हमें वही याद रहता है। तो यहाँ है, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तू किस घमंड में भरा है इंसान, वो हमें यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि आखिर हम किस बात की अकड़ दिखाते हैं। क्योंकि ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि तू किस बात की अकड़ दिखा रहा है, आखिर है क्या इतने सा घमंड। मतलब एक उसके घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी है। भाई हमारे घमंड को चूर करने के जब एक इतना सा छोटा सा तिनका ही काफी है, तो हम किस बात के लिए इतना घमंड करते हैं कि हम दूसरों को अपने से तुच्छ और छोटा समझ लेते हैं, अपने अभिमान में चूर हो जाते हैं, अपनी योग्यताओं, हमारे पास थोड़ी सी भी उपलब्धि आ जाती है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं, घमंड में भर जाते हैं। तो हम किस घमंड में बैठे हैं, वो यही समझा रहे हैं कविता के माध्यम से कि हमें इस तरह का अभिमान नहीं करना है। क्यों कि कवि ने अपना ही उदाहरण देते हुए हमें एक कविता के माध्यम से बताया है कि कैसे मेरा एक तिनके ने अभिमान चूर चूर कर दिया। वो अपने माध्यम से हमें समझा रहे हैं कविता के माध्यम से कि वो अपनी ही घटना बता रहे हैं जो उनके साथ घटित हुई थी, कि एक छोटे से तिनके ने कैसे मेरे अभिमान को हवा कर दिया, हवा में चला गया अभिमान, पता ही नहीं चला कि था क्या। तो वो कहते हैं, हे मनुष्य तू किस अभिमान में है, ऐठता तू किस लिए इतना रहा। मतलब वो यही समझा रहे, हे मनुष्य तू किस लिए इतने अभिमान में है, तेरा अभिमान चूर करने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफी है। तो बच्चों यही ये कविता थी, प्यारी सी कविता थी, जिससे हमें क्या सीख मिली है कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी अभिमान तो करना ही नहीं चाहिए, हमें हमेशा सहज स्वभाव का रहना चाहिए। क्योंकि कितनी भी उपलब्धियां हम क्यों ना हासिल कर ले, लेकिन हम मनुष्य का जो सच्चा गुण होता है वो उसका सरल और सहज स्वभाव ही होता है। तो हमें अपने स्वभाव को हमेशा कोमल और मधुर ही बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों यही ये प्यारा सा पाठ था, जो एक कविता थी एक दिन का, और हमारे जो कवि थे उनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो आज ये कविता खत्म होती है। बच्चों इस कविता को अच्छे से पढ़ना और इस वीडियो को ध्यान से सुनना। आप जब इन वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसका अर्थ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में ख़त्म करती हूँ। तो चलो रखते हैं, आज ख़त्म करते हैं अपना पाठ। बाय बाय बच्चों।